वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लॉजिक का ट्यूटोरियल देंगे और इसमें लॉजिक का ट्यूटोरियल देने का पहले लॉजिक का जो सेटिंग है उस सेटिंग के बारे में थोड़ा एक बार हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, इधर से न्यू करते हैं, उसके बाद एक अच्छा इसको हम डोंट से भी कर देते हैं, एम टी प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं। ये बाकी जितना सारा है ये अलग अलग करके हम लोग समझाएंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है इसके लिए। तो हम लोग पहले एम टी में ही जाते हैं, उसके बाद एक ऑडियो ट्रैक लेना पड़ता है। चारों टाइप का ट्रैक है, चारों टाइप नहीं, तीनों टाइप का है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट है, ऑडियो है, ये भी ऑडियो का अंदर होता है, और ये ड्रामा ट्रैक है, मतलब कोई स्टाइल होता है। ड्रामा ऑटोमेटिकली प्ले अलोंग इन द सॉन्ग, मतलब ये हम दिखाएंगे इसको, इसका क्या सुविधा है। तो बेसिकली हम लोग जाएंगे आज ऑडियो ट्रैक के ऊपर और इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इनपुट लेवल, इनपुट क्या हम लोग ले रहे हैं। अगर मोनो में कर रहे हैं तो इनपुट वन और इनपुट टू कोई भी एक को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा बेसिकली ये होता है, जो मान लीजिए हम एक आपको दिखा रहे हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा है, एक मिनट, इसको हम आगे इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों के पास जो ऑडियो ट्रैक होता है, ऑडियो साउंड कार्ड होता है, दो टाइप का होता है, इनपुट होता है, दो इनपुट होता है। तो मान लीजिए ये साउंड कार्ड है, तो इसका मतलब है इनपुट वन और इसका मतलब है इनपुट टू, और अगर हम लोग दोनों एक साथ देंगे तो इनपुट वन टू हो जाएगा एक साथ। और जिसका पास साउंड कार्ड 4 चैनल का 8 चैनल का है तो उसके लिए अलग से तरीका है, अलग से तरीका मतलब उसके लिए इनपुट 8 हो सकता है अलग अलग करके इंडिविजुअल ट्रैक, और जो स्टूडियो ट्रैक है वो 4 हो सकता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इसका अंदर जो क्या क्या होता है, बेसिकली इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, जनरल का ऑप्शंस, उसका अंदर क्या है स्टार्टअप एक्शन, मतलब जब लॉजिक ओपन होगा तब इधर लिखा है डू नथिंग। तो अगर हम लोग मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टेम्पलेट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आस्क कर सकते हैं, मतलब लॉजिक हम लोगों को पूछेगा क्या हम लोगों को करना चाहिए, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट ओपन करना चाहिए। तो ये डू नथिंग ही ठीक है, और बहुत सारे लोग ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का ऊपर ही इसको सिलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि जब लॉजिक आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन एग्जिस्टिंग जिस प्रोजेक्ट में आप लोग काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो इसको डू नथिंग ही कर देते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन इसमें जाते हैं, इधर बोल रहा है रीसेट ऑल वार्निंग एंड अलर्ट सेट प्रीवियसली डू नॉट शो अगेन, मतलब ये अगर हम लोग रीसेट वार्निंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रीसेट ऑल वार्निंग्स, जितना सारा वार्निंग होता है, मान लीजिए एक रेंडर चल रहा है उसका वार्निंग आ रहा है, एक सीपीयू लोड हाई हो जा रहा है इसका टाइप इसका वार्निंग आ रहा है, तो ये सब वार्निंग जो होता है, जो जितना बार होता है उसको हम लोग रीसेट भी कर सकते हैं, मतलब फिर से चालू होगा ऐसा करके कर सकते हैं। तो नीचे में आइए ऑटो बैकअप, इसमें हम लोग लास्ट अल्टरनेटिव वर्शन, लास्ट 3 अल्टरनेटिव वर्शन, लास्ट 10 अल्टरनेटिव वर्शन और अप टू हम लोग 100 अल्टरनेटिव वर्शन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही रख दीजिए। और रिसेंट आइटम सिस्टम डिफ़ॉल्ट, इसको कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो के अंदर जिसका पास साउंड कार्ड है तो उसको इधर से इनपुट और आउटपुट साउंड कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो अगर जिसका पास मान लीजिए स्टेनबर्ग का साउंड कार्ड है, किसी के पास फोकस राइट का है, किसी के पास प्रिसोनस का है, किसी के पास दूसरा कंपनी का है, मान लीजिए बेरिंगर का है, तो इधर से उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैक वर्शन का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इधर आ जाएगा इनपुट और आउटपुट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। और MP3 के लिए क्या होता है, बेसिकली MP3 के लिए अगर हम लोग अगर मोनो एक्सपोर्ट करेंगे तो 160 kbps में एक्सपोर्ट होगा, और अगर हम लोग स्टूडियो करेंगे तो 320 kbps में एक्सपोर्ट होगा, हो गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग में आता है, देखिए रिकॉर्डिंग टाइप, तीनों टाइप का रिकॉर्डिंग होता है, AIFF, वेव
और CAF ये भी एक वर्शन, ये भी एक कोडेक है, मतलब इसका भी अलग टाइप का एक ये होता है, मतलब वेब फाइल का टाइप ही होता है, ये भी बड़ा होता है, उतना छोटा होता नहीं है, ये भी बड़ा होता है। और AIFF है मैक स्टैंडर्ड, मतलब बाई डिफॉल्ट AIFF भी रहता है, हम इसको वेव किए हैं तो हम लोग AIFF भी कर देते हैं क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट है। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है 24-bit रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल रखना चाहिए, तब क्या होगा 24-bit रिकॉर्डिंग आप लोगों को होगा। तो ठीक है, इसका नीचे में जा रहा है ओवरलैपिंग रिकॉर्डिंग, मतलब होता है क्या, मान लीजिए सिंगर गाना गा रहा है, कुछ जगह गलती से गलत हो गया है, मतलब गाना का वर्डिंग्स कुछ भूल हो गया है, वर्डिंग्स कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो उसका तो पूरा गाना का करना नहीं पड़ता है, थोड़ा कुछ जगह चेंज हुआ है, थोड़ा कुछ चेंज का चेंजिंग जगह में हम लोग ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब हम लोग साइकिल करके कर सकते हैं। अगर साइकिल करेंगे तो वो जगह क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, वो जगह ओवरलैप अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वो जगह ऊपर में एक जगह एक ओवरलैपिंग रिकॉर्डिंग आएगा। तो ओवरलैपिंग क्या है, मान लीजिए सिक्योरिटी का बेसिस में ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि साइकिल करके जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऑटो पंच करेंगे, ऑटो पंच करने का टाइम पर अगर हम लोग ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, पीछे का ऑडियो रह जाएगा, उसके ऊपर से एक ऑडियो आएगा। और साइकिल ऑन इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और इधर बाय डिफ़ॉल्ट मर्ज रहता है, तो इसको हम लोग ओवरलैप ही कर देंगे, और बाकी जितना सारा है ये सेम रख दीजिएगा, इसको चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल सरफेस में जा रहा है, कंट्रोल सरफेस में होता है क्या, मिडी कंट्रोलर होता है, मिडी कंट्रोलर से हम लोग एबल्टन लाइव देखा है, एबल्टन लाइव में मिडी का कीबोर्ड यूज़ करके हम लोग बटन दबा के, मिडी कीबोर्ड का बटन दबा के हम लोग ट्रैक का रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। होता है ना, हमारा पास रिमोट होता है, हम टीवी चैनल को क्लिक करते हैं, टीवी चैनल चेंज हो जाता है, तो इस टाइप का कुछ होता है, तो उसके लिए इधर कंट्रोल सरफेस ऐड करना पड़ता है। मिडी कंट्रोल सरफेस में मान लीजिए आपका पास एम ऑडियो का एक्सियम कीबोर्ड है, नहीं तो टास्कम ने बेरिंगर का कुछ कीबोर्ड है, नहीं तो एडिरोल का कुछ कीबोर्ड है, जो मिडी कीबोर्ड बोलते हैं, तो मिडी कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, जब आप इंस्टॉल करेंगे, मतलब जब आप यूएसबी से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा और सरफेस इधर दिखाएगा, मतलब अभी ये कीबोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ये दिखाएगा। उसके बाद माई इन्फो, इसमें कंपोजर नेम, आर्टिस्ट नेम, एल्बम नेम, आईट्यून्स प्लेयर लिस्ट, ये सब आप लोग कर सकते हैं। और लास्ट में एडवांस में जाके देखिए, इधर शो एडवांस टूल, कुछ कुछ टूल होता है एडवांस, अभी शो नहीं कर रहा है, इसको अगर शो में क्लिक करेंगे तो एडवांस टूल दिखाएगा, मतलब ऑडियो, सराउंड, मीडी कंट्रोल सर्विस, कोर, एडवांस एडिटिंग, ये सब होता है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी इसका ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि जो एडवांस टूल है, एडवांस टूल के अंदर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मीडी होता है, इसके अंदर ऑटोमेशन होता है, इसके अंदर कंट्रोल सर्फेस होता है, इसके अंदर स्कोर होता है, इसके अंदर मूवी का ऑप्शन होता है, ये सब बाद में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, ये जो सेटिंग है पहले इसको करेंगे। अभी देखिए, एक ट्रैक तो हम ओपन किए हैं, ये ट्रैक में अगर कोई एग्जिस्टिंग गाना लेकर आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम लोगों को फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू विंडो का और क्यूएस का मैपिक सेम, ऑडियो फाइल को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करके जो जगह पर आपका ऑडियो फाइल है, मान लीजिए हम डेस्कटॉप में एक ऑडियो फाइल रखा है, इसको सिलेक्ट करके ओपन करना है, हम लोग प्ले भी कर सकते हैं, तो हो गया। और इसका जो जूम आउट जूम इन जो होता है, जूम आउट जूम इन होता है किस में, कमांड बटन और माय लेफ्ट एरो की जूम आउट है, और कमांड बटन राइट एरो की जूम आउट है, ठीक है, और कमांड बटन अप एरो की और डाउन एरो की, डाउन एरो की में ट्रैक का विड्थ बढ़ेगा, और कमांड बटन अप एरो की ट्रैक का विड्थ कम हो जाएगा। तो देखिए, एक मोनो ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ है, इसको हम लोग चलाएंगे तो चलेगा, इसको हम लोग लूप भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको हम लोग चैनल स्ट्रिप कर सकते हैं, इसको हम लोग बासिंग कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकते हैं। तो इसका टेम्पो 94 BPM, तो टेम्पो हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें इधर से डबल क्लिक करके 120 जिधर लिखा है इसमें हम लोग 94 कर देता है, कर दिया, तो 94 में ये पूरा चालू हो गया, मतलब एकदम
जो जगह पर होना चाहिए 81 बार तक है। तो अभी चला के देखते हैं क्लिक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लिक को ऑन करने के लिए ये आपको ऑन करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग चलाएंगे। है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे मिल रहा है। दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। अभी क्या करेंगे, नॉर्मली देखिए लॉजिक का काम जो करता है तो उसका थोड़ा थोड़ा कुछ तो आइडिया है ही, क्या इफेक्ट देना चाहिए, क्या इफेक्ट करना चाहिए, वो तो आइडिया है। तो हम थोड़ा सा एक इफेक्ट डालेंगे। तो इफेक्ट डालने के लिए क्या होता है, बेसिकली हमारा जो इंस्पेक्टर सेक्शन है ये सेक्शन से हम लोग इधर से काम करेंगे, नहीं तो मिक्सर से करेंगे। मतलब इसको अगर जगह के लिए अगर हम लोग स्पेस थोड़ा कम कर देंगे तो इसको हम लोगों को मिक्सर खोलना पड़ेगा। और मिक्सचर में देखिए जिस ट्रैक के अंदर ये है उधर हम लोग EQ इनपुट इंसर्ट ले सकते हैं। मतलब EQ में अगर क्लिक करेंगे तो EQ आ जाएगा। EQ में वोकल मेल वोकल है तो इसको थोड़ा बूस्ट करता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है और हाई को भी थोड़ा सा बढ़ाता है। जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता। ये लीड वोकल का है, मतलब लो कट कर दिया है, उसके बाद 100 हर्ट्ज से थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया है। हम थोड़ा शार्प कर दे रहे हैं, 5K को बढ़ाते हैं, लगेगा नहीं तब भी हम थोड़ा बढ़ाते हैं। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हो दे दिया। इसके बाद एक कंप्रेसर डालेंगे, मतलब ये इसका EQ जो हो गया इनपुट चेन में, हम लोग इनपुट चेन में नहीं है एक्चुअली इंसर्ट में डालेंगे। ऑडियो इफेक्ट्स चैनल हो गया इसके, ये जो ऑडियो इफेक्ट्स का नीचे में क्लिक करेंगे इसके अंदर हम लोग जाएंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन में जाके हमारा जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स थोड़ा कर देंगे, मतलब रेशियो को 6 रखेंगे, हो गया। थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम करेंगे, मेकअप वॉल्यूम को 5 dB थोड़ा बूस्ट करेंगे, उसके बाद इसको चलाएंगे का सफर उस पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों की, तुझे खबर क्या बेखबर, मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। हो ये हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सर से, देखेंगे मेन ट्रैक में फट रहा है कि नहीं फट रहा है, मतलब इसका आउटपुट कितना आ रहा है और इसका मतलब इसका जब हम लोग प्ले कर रहे हैं इसका जब जब फट जा रहा है, तो सब हम लोग काम करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करे। हो गया।
अभी क्या है एक्चुअली उस ट्रैक में हम बातें कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फट जा रहा है। तो ये हो गया एक पार्ट वन, ठीक। इसका पार्ट टू हम दे रहे हैं, ये लॉजिक का इसका पार्ट टू हम लोग क्या करेंगे। इसमें जो है मतलब ये जो रिवर्ब और डिले हम लोग दिए हैं इसको हम लोग बासिंग का अंदर देंगे, मतलब इंसर्ट में नहीं देंगे, सेंड में देंगे। तो पार्ट टू में हम दिखा रहे हैं सेंड में कैसे देते हैं। तो तब तक के लिए आप थोड़ा इसको टेस्ट करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद बहुत ढेर सारा कुछ देना है लॉजिक में, क्योंकि लॉजिक का ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब इतना ऑप्शन इसका है और इतना मतलब इसका छोटा छोटा इतना अच्छा अच्छा ऑप्शन है, जो ऑप्शन बहुत ही सेंसिटिव, मतलब आप थोड़ा कुछ चेंज करिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा हाँ ये चेंज हो रहा है। क्योंकि मैक का साउंड इंजन बहुत अच्छा है, इसका रेंडरिंग क्वालिटी भी अच्छा होता है, तो सभी का पास मैक है नहीं, इसीलिए हम निवंडो क्यूबस के ऊपर ज़्यादा दे रहा था। तो अभी थोड़ा लॉजिक के ऊपर दे देंगे, थोड़ा इसको चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ इसका आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, उसके बाद निवंडो के ऊपर देंगे। और देखिए हम एक बात और फिर भी एक बार बोलना चाहते हैं, तो किसी को ट्रेनिंग लेना है उसका एक शेड्यूल हम बना देंगे। हफ्ते में एक दिन ही ट्रेनिंग हो पाएगा, दो दिन हो पाएगा नहीं, तो एक दिन में हम चूज़ कर देंगे कौन सा दिन आपका ट्रेनिंग लेंगे। एक घंटा का ट्रेनिंग होगा, आप निवंडो चाहे क्यूबेस चाहे एबल्टन चाहे प्रो टूल्स चाहे कोई भी लॉजिक कोई भी किसी का ऊपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हम बोल देंगे पहले हमको SMS कीजिएगा, उसके बाद हम फ़ोन पे बातें कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आप थोड़ा इसको शेयर कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए क्या आपका प्रॉब्लम कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद हम कमेंट में बोलेंगे इसका सॉल्व क्या है। थैंक यू दोस्तों।